वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि जस्यास्ते संवीतं नृसिंहमहं वदे विश्वसर्गविसर्गादिन्नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्टदास रघुनाथ हे छय गोसाई करि चरण वंदन जहाँ हित विघ्न नाश अभीष्ट वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की श्रीमनित्यानंद प्रभु की श्री अद्वैत प्रभु की श्री गदाधर प्राणनाथ की सुभाष पंडित की सकल आचार चरण की ब्रज रानी राधा रानी की श्री लाडली लाल की श्री गिरिंद्र बिहारी बिहारी सरकार की श्री पंडित बाबा जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे पिताय गौर हरि बोल। परम मंगलमय कारण करुणा करुणालय श्री गौरांग महाप्रभु की महती अनुकंपा से हम लोगों को विलाप पुष्पांजलि के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त हुआ है। कौन श्लोक संख्या है? इकसठ। ना प्राप्तां निज प्रणयिनी प्रकरहि परीतां नन्दीश्वरं व्रज महेन्द्र महालयं तं दूरे निरीक्ष मुदिता त्वरितं घनिष्ठा त्वामानयिष्यति कदा प्रणयैर्ममाग्रे। कल का श्लोक और आज का श्लोक दोनों युग्म में एक ही लीला को वर्णन किया गया है। कहते हैं कि ब्रज महेंद्र महालयम तम नंदीश्वरम प्राप्ता। किशोरी जी अभी अभिसार कर रही हैं नंदालय में, नंदगांव में। तो यहाँ पर आचार्य चरण कह रहे हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, हे श्री राधिके, हे श्रीजू, तुम नंदीश्वर नंदालय में ललितादि सखियों से घिरी पहुँचोगी। ब्रज महेंद्र महालयम तम नंदीश्वरम प्राप्ता। जब आप नंदीश्वर को प्राप्त होएगी तो निज प्रणयिनी प्रकरहि, जिसमें श्रेष्ठ धनिष्ठा दूर से जब देखेगी आपको तो बहुत प्रसन्न होगी। प्रकरण माने ललितादि सखी समूह है परिता धनिष्ठा दूरे निरीक्ष दूर से देख कर दृष्टवा मुदिता बहुत प्रसन्न हुए। कदा प्रणय त्वरितम ममाग्रे, उसे देखकर ब्रजेश्वरी के निकट में ले जाओ। तो ब्रजेश्वरी समीपम आनयिष्यति, ऐसा सुअवसर मुझे कब प्राप्त होगा कि मैं प्रिया जी को अभिसार करते हुए
ब्रजेश्वरी यशोदा जी के पास ले जाओ। देखिए बड़े बड़े महापुरुष लोग शिव ब्रह्मा इत्यादि भी जिन प्रभु की आराधना करना चाहते हैं वे दूर से ही जिनकी स्तुति करते हैं, श्री कृष्ण की दूरतः सेवते सुरे ब्रह्मा दीना महाराध्यम, ब्रह्मा इत्यादि भी जिनको बहुत दूर से नमस्कार करते हैं, जिन ब्रजरानी राधा रानी की दूर से ही, निकुंज की अंदर किसी का प्रवेश नहीं, निकुंज वृंदावन धाम को दूर से ही देवता लोग दूरतः सेवते सुरा, देवता लोग दूर से वृंदावन को नमस्कार करते हैं। ताम राधिका जो भजते, उन राधा रानी का जो भजन करते हैं, तो शंकर जी कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं, मैं देवर्षि के साथ उन महात्माओं की पूजा करता हूँ। देखो भाई, सखी मंजरियों की आराधना शिव संकातिक नारद इत्यादि किया करते हैं, एक किशोरी जी की आराधना सरल आराधना नहीं है। इसीलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि उस रहस्य को, उस लीला को मैं कब देखूं। कृष्ण भावना मृत गोविंद लीला मृत में नंदालय का महिमा, नंदालय के वर्णन किया गया, उनके ऐश्वर्य का वर्णन किया गया। हम लोग कल श्रवण किए थे कि सबसे श्रेष्ठ गिरिराज जी हैं और गिरिराज जी की भी महता नंदीश्वर लघु कर देते, छोटा कर देते, नंदगांव की इतनी भारी है। बीच बीच में विचित्र मंदिर हैं, दीवार हैं, स्फटिक मणि के चबूतरे बने हुए हैं, स्वर्ण मणि के छत्ते बने हुए हैं, द्वार द्वार पर स्फटिक मणि लगे हुए हैं, प्रत्येक द्वार के दोनों रत्नमय शाखा है, हाथों में ब्रज गोपियां मणि प्रदीप लेकर के भगवान की अगवानी के लिए खड़ी रहती हैं, रत्न शलाका है जिस नंदगांव का, जगह जगह पर कुंभ स्थापित किया गया है, ये महानगरों का वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया है, जैसे द्वारका इत्यादि का वैसे वर्णन नंदगांव का वर्णन। प्रिया जी जब अभिसार करके जाती है और नंद महल को देखती है, नंदालय को, नंद के महल के ऊपर प्यारे श्याम सुंदर को जब देखती हैं, तो प्रिया जी का चलना बंद हो जाता है। उत्साहमय यशोदा प्रिया जी का दर्शन करने के लिए हमेशा ललायत रहती है। अब प्रिया जी के वर्णन, नंद गांव का वर्णन, नंद के गलियों का वर्णन, उनमें बेदियां हैं उनका वर्णन, ये गोविंद गीत गोविंद लीला मृत में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है, कृष्ण भावना मृत में वर्णन किया गया है। जब राधा रानी को देखी यशोदा जी तो अपने दोनों बाहों में भर दौड़ कर और कही कि बेटी तू बहुत दीन की बात है, क्योंकि प्रेम में थोड़ा सा भी दीन बहुत दिल लगता है। राधा रानी कहती हैं मैं क्या करूं, मैं बड़ा पराधीन हूं। देखिए ये भगवान का भक्त का, भगवान स्वतंत्र होते हुए भी हमेशा परतंत्र, और हम लोग हैं परतंत्र लेकिन मानते हैं स्वतंत्र, ये भगवान की माया। भगवान हैं स्वतंत्र, परम स्वतंत्र, सिर पर नहीं कोई, नारद जी भगवान को कहे हैं या बड़े स्वतंत्र हैं, आपके सिर के ऊपर तो कुछ कोई है नहीं, जो मन करता है करते रहते, लेकिन भक्त कहते हैं, भगवान कहते हैं ना मैं हमेशा परतंत्र, अहम भक्त पराधीन, यह स्वतंत्र इव द्विज, हे ब्राह्मण देवता मैं बिल्कुल स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं बिल्कुल परतंत्र हूँ, भक्ताधीन हूँ। उसी तरह ब्रजरानी राधा रानी यशोदा मैया से कहती हैं, जब यशोदा जी कहती हैं तुम्हें देखे मुझे कितना, तुम्हें देखे बिना मुझे कितना कष्ट होता है, राधा रानी कहती हैं मैं क्या करूं मैं पराधीन हूँ, स्वामी जी ऐसी कहती हैं। धनिष्ठा और सखियां उनको लेकर के ले जाती हैं, श्रीमती के असामान्य रूप लावण्य को देख करके मैया यशोदा हस्त अस्तवित हो जाती है, प्रिया जी का रूप है,
कैसा रूप है आचार्य लोग कहते हैं राई र देखिया उमत हैया जसोदा करोला को प्रिया जी को देख करके जसोदा मैया अपने गोद में भर लेती आ मुखानी धरिया चुंबन करी ते भिगा लो नया न डोरे। देखिए दो प्रकार का आंसू होता है, एक दुख का आंसू और एक प्रेम का आंसू। स्त्रियां दोनों तरफ रोती, विदाई में भी रोती हैं और मिलन में भी रोती। साहित्य दर्पण में लिखा गया है कि आंसू दो प्रकार का, एक विरह का अग्नि और एक प्रेमाग्नि प्रेम का। मिलन का, मिलन में जो आंसू निकलता है तो जसोदा भैया प्रिया जी को अपने गोद में पकड़ करके अपने आंसू से इतना रोती हैं कि प्रिया जी का केस भीग जाता है। मुखा ने धरिया चुंबन करिते भीगा लो नया न लोरे सेजे रसवती कर लो प्रणति जसोदा रोहिणी पाए। देखिए भगवान का प्रिया जी का कितना बड़ा शिष्टाचार है। शिष्ट जो जगत सारा जगत का मालिक है वो भगवान वसुदेव जी का चरण पकड़ते श्री गौरांग महाप्रभु अपने माँ सची माता का दोनों चरण पकड़ते, जसोदा मैया का भी प्रिया जी आकर के चरण पकड़ते, जसोदा और रोहिणी को प्रणाम करते। ये प्रिया जी कौन है तो साक्षात भक्ति लता, सेवा का स्वरूप ही राधा रानी। राधा रानी सेवा के बिना नहीं रह सकती, चरणों पर मस्तक रख करके माता जसोदा को प्रणाम करती। माँ ने उनको गोद में उठाकर कस करके अपने वक्ष से लगाया, चिबुक में हाथ लगा करके पूछती है बहू कैसे हो, बेटी तुम पुत्र कैसे हो। मुंह को देखा, चुंबन किया, मस्तक सूंघा। नीति शास्त्रों में लिखा गया है छोटे लोगों का यदि कोई बड़े लोग गुरुजन लोग सिर सूंघते हैं तो उम्र बढ़ती है। तो जसोदा मैया किशोरी जी के सिर को सूंघी और गदगद कंठ से कहती वक्ष से लगा। जसोदा जी पूछती हैं बेटी तू कैसे है, तो डबडबाई आंखों से गदगद कंठ से कहती है माँ मैं तुम्हारी ही हूँ, तुम जैसे रख रही हो वैसे ही। तत्वतः श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति ही तो ब्रजरानी राधा रानी, कृष्ण की आनंद ही राधा रानी। श्री कृष्ण को किसी से आनंद नहीं मिलता है, आनंद केवल प्रिया जी से और किसी से नहीं मिलता। प्रिया जी केवल श्री कृष्ण के सुख के लिए ही जीती हैं, उनका चलना बैठना बोलना केवल प्यारे से आप सुंदर की सुंदर। ये श्री कृष्ण प्रेम को उत्कर्ष करने के लिए ही जोग माया ने इस प्रेम को बढ़ाने के लिए पर किया रस का स्वर। श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है कि मोह विषय गोपी गणे उपपति भाव। देखिए गोपाल चंपू में तो ऐसा भी लिखा गया है कि इन गोपियों को फिर विवाह करने का आयोजन किया गया। गोपियों से तीन प्रश्न है यहाँ पर, गोपियां जसोदा जी और समाज। विरह में विप्रलंब में बहुत कष्ट हुआ तो श्रील जी गोस्वामी पाद कहे कि इन लोगों को विवाह ही करा दिया, स्वकिया बना दिया। तो ये बात चर्चा हुई, पौर्णमासी सखी से कही गई, तो पौर्णमासी सखी कही कि ठीक है मैं ऐसी व्यवस्था कर देती। राधा रानी इत्यादि से कहा गया तो राधा रानी स्वीकार नहीं कि एक बार समाज में हम लोग कलंकी हो गए हैं, सब जान गया है कि हमारा शादी हो गया, तो हमारे जब शादी हो गई तो कलंकी बन करके हम लोग कृष्ण के पास शादी कर लेंगे। तो उस कलंक को मिटाया कैसे जाए तो परीक्षा ले लिया जाए, सत्य पूछा जाए तो ब्रज गोपियां शरीर छोड़िए मन से भी परपति का स्पर्श नहीं करते। यहाँ पर तो लिखा गया है चैतन्य चरितामृत में राधा रानी ब्रज गोपियों की पातिव्रत निष्ठा को देख करके अरुंधति सत्यभामा इत्यादि भी कांप जाती है, ऐसी पतिव्रता। फिर भी इनकी परीक्षा के लिए गोपाल चंपू में तो बहुत बृहद कथा है, अग्नि से परीक्षा किया गया तो कहा कि अरे गोपियों की इतने बड़ा तेज है
पातिव्रत धर्म है कि उसके तेज के आगे अग्नि क्या है। तो सूर्य से परीक्षा लिए, सूर्य तो करोड़ों कोस दूर है और उसका हीट से आदमी जलने लगता है, तो सूर्य को बुलाया जाए और सूर्य से परीक्षा लिया जाए। तो कहती हैं कि अरे प्रिया जी के एक नखचंद्र ज्योति से तो करोड़ों करोड़ों सूर्य निकलते हैं, सूर्य में क्या ताकत है कि प्रिया जी को परीक्षा दे। तो दुर्वासा जी को प्रकट किया गया अपने तप से, ऐसा ऐसा परीक्षा। और उस दुर्वासा के तपाग्नि में जब दिया गया तो एक हंसते हंसते गोपियां सब निकल गई, उनका एक पल्लू भी नहीं। तब तो सब संसार जान गया कि इन लोग निर्दोष है, इनकी शादी कर दिया जाए। लेकिन शादी करने के बाद पूछा गया तो कहें थोर ऐसा प्रेम को, इसमें तो फिर भी प्रेम नहीं है। जो प्रेम उपपत्ति में है, क्योंकि ये रस का स्वादन करने के लिए तो ठाकुर का अवतार हुआ है, तो इसमें जो स्वकीय तो बिल्कुल प्रेम इत्यादि नहीं। गोपियां फिर त्याग, हमको ऐसा रस नहीं चाहिए, हमको तो प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए। वही चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, मोह विषय गोपी गणे उपपत्ति भावे जोग माया करिबे आपन प्रभाव। अपने प्रभाव से जोग माया स्वान स्वान दार ब्रजऊ प्रसाह, भागवत में लिखा गया है, छाया गोपियों को निर्माण करके सब पतियों के पास रख दी और जो असली गोपियां थी उनको रास में प्रवेश। इस रहस्य को कृष्ण भी नहीं जानते, क्योंकि भगवान की जो तीन माया है, स्वजन विमोहिनी, स्व विमोहिनी और विमुख जन मोहिनी, ये तीनों माया तो श्री कृष्ण को भी पता नहीं चलता मैं भगवान। यदि चल जाए कि मैं भगवान तो लीला हो गया, तो भगवान के ऊपर जो माया काम करती है श्री कृष्ण को भी पता नहीं चलता कि मैं भगवान। आमी है न जानी तहा ना जाने गोपीगण, और दोहार रूपे गुणे दोहार नित्र हरे मन। ये प्रेम पर किया रस का उत्कृष्ट रस, इसमें केवल रस ही रस है। प्रेम रस का निर्यास करने के लिए ही पर किया भाव ले पड़े। धर्म छाड़ी राग दोहे करिय मिलत, गोपियां धर्म कर्म वैदिक दैहिक समस्त धर्म को त्याग कर देती है प्यार से मिलने के लिए। स्वकिया में तो होता नहीं, पर किया कितना उत्कृष्ट रस है जिसमें केवल त्याग ही त्याग है। अपना सुख दुख का गोपी कभी विचार, धर्म छाड़ी राग दोहे करिय मिलत, कबू मिले कबू ना मिले दैवे न भट प्रेम। यही सब रस निर्यास करिबो अस्वाद अस्वाद, एक बारे करिबो भक्त सर्व भक्ति रहे। महाप्रभु इस रस का आस्वादन करना चाहते, श्री कृष्ण को ये रस चाहिए। पर किया रस की जो आराधना है न किसी अवतार में इनको नहीं मिला, न राम अवतार में, न धन्वंतरी में, न बामन में। ये उत्कृष्ट रस है। और उन गोपियों से ये गोपियां कौन है, तो महान प्रतिव्रता। ये गोपियां साधारण नहीं है, पातिव्रत का पतिव्रता शिरोमणी है ये ब्रज सुंदरी। ये ब्रज सुंदरियां अपने पति को त्याग करती हैं, सास को त्याग करती हैं, ससुर को त्याग करती हैं, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कहने का तात्पर्य यह नहीं कि गोपियों की बचत, गोपियों को कोई पति प्रवेश स्पर्श नहीं कर सकता है। छोटे छोटे बच्चे मैंने अपने जेठ का बच्चा, अपने सबत का बच्चा, दूसरे दूसरे का बच्चा, अपने जेठानी ननद इत्यादि के बच्चे को कहा गया है। ये गोपियां इतनी बड़ी पति पातिव्रत धर्म पतिव्रता शिरोमणी है। यहाँ तक कहते हैं जहार सौभाग्य गुण मांचे सत्य भाव। कभी कभी गोपियों की चर्चा होती है द्वारिका में, तो गोपियों के उत्कृष्ट रस को देख करके सब लोग सत्य भामा इत्यादि जार ठाई कला बिला सीखे ब्रज भामा। राधा रानी के विषय प्रेम प्रेम रहस्य को जानती है। जार सौंदर्य आदि गुण मांचे लक्ष्मी पार्वती, गोपियों की महिमा भला कौन बता सकता है, कौन किसके ही में। जार पतिव्रता धर्म मांछे अरुंधति, सती शिरोमणि अरुंधति है,
जो बृहस्पति की पत्नी है वह भी ब्रज गोपियों की चरण की पूजन करती हैं, ऐसी हम लोग पतिव्रता देंगे। अरे जिनके सद्गुणों का वर्णन साक्षात श्री कृष्ण भी नहीं कर सकते, श्री कृष्ण में भी इतनी ताकत नहीं है ब्रज गोपियों के गुण गुणों का वर्णन कर सके। देखो भाई कृष्ण साधारण नहीं है, भगवान है, क्या नहीं जानते हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं कि भगवान की भी गति पंगु हो जाती है ब्रज गोपियों की महिमा जब गिनने लगते हैं, उनका बुद्धि काम नहीं करता, इतना गुणवती ब्रज गोपियां हैं। अतार गुण गणित के मन जीव छार किसी जीव में इतनी सामर्थ्य है कि ब्रज गोपियों की महिमा गा दे। अरे जो इतना बड़ा कृष्ण के जमाने में कृष्ण से भी अधिक बुद्धिमान उद्धव जी थे, भागवत में लिखा गया उद्धव जी की महिमा इतना है कि इस विश्व ब्रह्मांड में श्री कृष्ण के समय इनके समान बुद्धिमान कोई नहीं था। अब उद्धव जी भी कहते हैं हम तो नंदे बंदे नंदक ब्रजस्त्री नाम पाद रेणु मोहिष्म सर, मैं तो इन ब्रज सुंदरियों के चरण न मिले तो रज काहे पूजन करो, ऐसी ब्रज गोपियां। ये ब्रज गोपियां छीप करके जो श्री कृष्ण से प्रेम करती है, चोरी से प्रेम करते हैं। अरे ये प्रेम केवल चोरी से ही होता है, प्रेम दिखा कर नहीं किया जाता। यदि दिखा करके प्रेम किया जाए तो प्रेम होता नहीं, वो काम हो जाता है। हम कृष्ण से भजन करते हैं तो हमको लोग प्रशंसा करें, जान जाएं कि हम कृष्ण का भजन कर रहे हैं, तो एक काम है, प्रेम नहीं। और गोपियां श्री कृष्ण से मिलती हैं, छिप कर मिलती हैं, गोपियां मिलती हैं, आ इसको किसी को पता नहीं चलता। विद्यापति जी का एक पद है, कैसे छिप कर गोपियां मिलती हैं ठाकुर जी से। देखिए इसको रसिक महापुरुष ही जानते हैं, साधारण लोग क्या जानते हैं, लेकिन कैसे छिप कर मिलती हैं। अपने सखियों से भी छिप कर सास से छिप कर मिलती है, ननद से छिप कर मिलती है, पानी के बहाना से मिलती है, दही बेचने की बहाना, ये सब बहाना मात्र मिलना है कृष्ण से। अब देखिए ब्रजरानी राधा रानी अपनी ननद से कही कि हम पानी भरने जा रहे हैं, सुबह गई फिर शाम को तो ननद पूछती है जाहि लागी गेले तेही कहाँ लैली। तो विद्यापति जी का पद है, शाम को आए सुबह गई पानी भरने के लिए और शाम को आती है तो ननद पूछती है कि जाहि लागी गेले जिसके लिए तुम गई ताही कहाँ लैली, उस पानी को तो लाई नहीं, पानी लाने के लिए गई थी पानी लेकर नहीं आई। तापति बैरी पीतू कहाँ, तापति माने पानी का पति कौन है, समुंदर। अब समुंदर का बैरी कौन है, अगस्त, अगस्त ऋषि। और अगस्त ऋषि का पिता कौन है, घड़ा। वो घड़ा कहाँ है पूछ रहे हैं, ननद पूछ रही है राधा रानी से कि जाही लागी गेली जिसके लिए तुम गई ताही कहाँ ले, पानी तो लेकर नहीं आई। आ तापति बैरी पीतु कहाँ, पानी का पति समुंदर, समुंदर का दुश्मन अगस्त ऋषि, अगस्त ऋषि का बाप कुंभ कम्भ, घड़ा कहाँ गया, घड़ा तो लेकर आए थे। अछली है दुखे सुखे कह अपन मुखे, आई हो बहुत घबरा कर कि क्या बात है, अछली है सुख अपना सुख दुख कहो, भूषण गमावल कहा, तुम्हारा भूषण था कहाँ लुटा कर आ गए, भूषण भी तो लेकर नहीं। सुंदरी की कर बुझा व कम तेरा, अब इस रहस्य को राधा रानी कैसे बता। तो राधा रानी कहती देखिए ये प्रेम है, प्रिया जी नित्य कह रहे श्याम सुंदर की एक सेकेंड भी अलग नहीं रहती, लेकिन लीला रस को उत्कर्ष बढ़ाने के लिए प्रक्रिया भाव स्वीकार की। अब राधा रानी देखिए अपनी ननद को कैसे ठगती, प्रेम में वंचना होता है।
राधा रानी कहती है जधिका जन्म हुई तो तू गेली। तो ननद ही कह रही है जधिका जन्म हुई तो तू गेली, जिनके जन्म होते समय तुम गई ही ताही को अंत है, माने सूर्योदय होने के समय तुम गई, जिसका जन्म लेते तुम गई और उसके अंत में आई अर्थात सूर्यास्त में आ गई तुम हमारे पास, और जाही लागी गेली से चलिया। राजा अब इतना एक प्रश्न नानद पूछ रही, कुटिला पूछ रही है राजा रानी, तब राजा रानी उत्तर देना का उत्तर देना प्रारंभ कर दिया। देखिए ये प्रेम का उत्कर्ष है वर्गीय रस, ऐसा रस वर्गीय में नहीं। अरे आचार्यों की वाणी है, विद्यापति जी की वाणी है और आचार्य चरण कहते विद्यापति। राधा रानी कहती है जाही लागी गेली से चली आए, जिसके लिए गई घर से निकली वही आ गया, अर्थात पानी लेने के लिए आ गए गई और वर्षा आ गई पानी आ गया। जाही लागी गेली से चली आए वही आ गया वर्षा आ गया, आ तेही हम रह गई लुका और वर्षा के दर्शन में छिप गई लुका गई पेड़ के बीच, आ से चली गेला ताही ले चली। जब वो चला गया तो उसको लेकर मैं आए, मैंने पानी को लेकर गया। से चली गेला ताही ले चले लू आ ते पथ भेला ही अनाय, अब मैं घड़ा जमुना में पानी भर कर ले आ रही थी उसी समय हमारे साथ बड़ा भारी अन्याय। क्या अन्याय हो गया कि शंकर वाहन खेड़ी खेड़ाए, हम पानी जल लेकर आ ही रही थी तब तक शंकर वाहन, शंकर का वाहन कौन है सांड नंदी, और दोनों बैल लड़ गए सांड सांड में बिजार बिजार लड़ने लगे रास्ता में। शंकर वाहन खेड़ी खेलाए और मेदनी वाहन आ गई, वो सांड जब लड़ रहे थे तो मैं दूसरा रास्ता से भागना चाहिए, तब तक देखेंगे कि हमारे सामने ही मेदनी वाहन खड़ा है। मेदनी मान मेदनी कहते हैं पृथ्वी को, और पृथ्वी का वाहन शेषनाग सांप खड़ा था, तो जब सांप खड़ा देखा तो मैं वहां से हट गई। और हमारे साथ जितनी सखियां थी जे सब अछली सब से चलली भर, हमारे साथ जितनी सखियां थी इस दृश्य को देखकर सब भाग, मैं अकेले पीछे आ उबर ही आई लोई तही आ गई, किसी तरह जान बचा करके मैं भाग कर यहाँ आई। आ जाहि तुई खोज करली सतीछा चुके, अब मैं भाग कर जब चली तो हमारा घड़ा गिर गया फूट गया पानी। क्या हुआ घड़ा अपने तत्व माने मिट्टी में मिल गया और पानी भी अपने वर्षा के पानी में। अजाही तुई खोज करई शशि सासुर से मिल आपद संग, जिसको तुम पूछ रही है कि घड़ा कहाँ गया पानी कहाँ गया, वे अपने अपने कार्य कारण में मिल गया, पानी पानी में मिल गया घड़ा मिट्टी में मिल गया। सुने भुने विद्यापति सुन भर जवती भुकुत ने हरती रह, भुकुत प्रेम है प्रिया प्रियतम का जो दिव्य प्रेम है, इनको बिना छिपाए आगे बढ़ता रहे, इसलिए महात्मा लोग कहते हैं अपने भजन को छिपा कर रखो बताओ मत। ये गुप्त प्रेम है प्रियालाल का जो नित्य विहार है। देखिए इतना दिन तक प्रक्रिया रस चला है ब्रजमंडल में लेकिन कोई नहीं जाना ये लीला चल रहा है, लेकिन नित्य नित्य लीला चल रहा है। यही कहते हैं श्री गौरांग महाप्रभु कि इसी रस का आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण जो है वो ब्रज ब्रज में आकर के इस रस का स्वादन किया। अब देखिए ननद पूछ रहे, ये तो सास से जान पूछा, अब ननद आ रही सास आग पूछ रही है ननदी स्वरूप निरूप दोखे, प्रिय जी का वर्णन करी तुम्हारा स्वरूप देखने में लगता है कि तू कुछ गड़बड़ करके आई है, बिनु विचार व्यभिचार बुझाओ तुम्हारे अंग देखने से लगता है तू व्यभिचार करके आई है। सासु करह रोसे, इस बात को तुम बताना मत रोसे, अब तुम्हारे ये ओठ पर अब ओठ कैसे दंत ओठ पर कैसे कट गया है, ओठ तो कहती है राधा रानी कहती है कौतुक कमल नाल संतोर, जब मैं रास्ता में जा रही थी
जल भरने के लिए, तो रास्ता में देखी कि कमल का फूल खिला हुआ, तो कमल का फूल मैं तोड़ी। कौतुक कमल नाल से तोड़ करल चहल अवतन से, उसको तोड़ करके अपनी चोटी में मैं गुथना चाहिए कमल के फूल। तो रोसे कोस सर मधुकर धाव, जब मैं क्रोध में करके अरे तोड़ी तो कमल का दुश्मन जो भमरा है वो क्रोध में आया और आकर के ते ही अधर पर दंश, हमारे अधर पर दंश कर दिया, भमरा काट दिया। अब पूछती है कि ये तुम्हारे कुछ पर चिन्ह कैसे लग गया, तो कहती क्या करूं, साकर बाट उलटी बहुत चलल इतने कुछ कंटक लग, रास्ता बहुत संकीर्ण था, चारों ओर कांटा था, मैं बहुत तीव्र गति से चल रही थी तो कांटा छत कांटा लग गया, साप साकर बात उबटी बहुत चल उन्हें ते कुछ कंटल लग। देखिए इस रस का स्वादन श्री गौरांग महाप्रभु कर रहे हैं, विद्यापति का फल। गर्व कुंभ सिर थिर नहीं था गए, ये तुम्हारे केस उलझा हुआ है, ये किस कारण से उलझा हुआ? तो प्रिया जी कहती है गर्व कुंभ सिर थिर नहीं था, बड़ा भारी घड़ा था और सिर पर रखी तो सिर पर थक एक जगह नहीं रहता था, कभी इधर उधर बदलती रहती थी, इसलिए केस पास उलझा गया, उलझल केस पास। और सखीजल सह हम पाछे पड़ ली ते भल दीर्घ निशास, सखियां सब आगे चल गई मैं पीछे पड़ गई, तो सखियों को पकड़ने के लिए मैं बहुत तेज गति से चली, श्री लंबा लंबा सांप चल रहा है ते फल दीर्घ निशास। आप पथ अपवाद पिसुन प्रचारल तत ही उतर हम दे, रास्ता में हमको हमारे इस रूप को देखकर सब लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं, तो उनको उत्तर देने में मेरा गला भर गला थोड़ा भारी बोल लीजिए। घनई विद्यापति सुन कर ज्योति सब राखव गोरी, ननद संग रस रीति बढ़ावल गुप्त विपत नहीं हो। एक ये है गुप्त प्रेम कर मम अल तोरा जानत प्रिया एक मनोर है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि हे प्रिया जी, हे सीता जी, हे किशोरी, हमारा और प्रेम, हमारा और तुम्हारा प्रेम केवल हम ही जानते हो, दूसरा कोई नहीं जानता। तत्व प्रेम कर मम यहु तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा। ये संसार के लोग भला इस रस को कैसे जान सकते हैं? देखिए इसी रस के आस्वादन करने के लिए आचार्यों ने, महापुरुषों ने इस रस का आस्वादन किया है। राधा रानी जी का जो उत्कर्ष प्रेम है, जिस प्रेम को सब वांछा करते हैं।